ये जब असदुद्दीन ओवैसी खुलकर कबूलनामा कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं, तो इसमें बचा क्या है? जब वो खुद कह रहे हैं अपनी तकरीर में जो उन्होंने अपने लोगों से करी है कि भाई नहीं बचा पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास कागज ही नहीं है। उन्होंने तो सत्य कह दिया ना, ओवैसी साहब तो हमेशा बैरिस्टर हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। उन्होंने सत्य कह दिया और ऐसी बात कह दी कि जिससे देश में आग लग जाए। और आज इस डिबेट में जो हुआ, मुझे कहावत याद आ गई, भानुमति का कुंभा जोड़ा, कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर कहीं का, किस प्रकार से आज कहां से कहां फुदक फुदक के लोग पहुंच गए, लेकिन जो वास्तविक चीज है उसको नहीं। एक पुरानी कहावत, अभी कुछ दिन पहले सीए का ऑपरेशन चल रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन एक ही बात चल रही थी, कागज नहीं दिखाएंगे, एक ही बात चल रही थी ना। और वही बात आज ओबीसी ने बोल दी इस देश में बलवा मचाने के लिए। मुझे बताइए, इस वक्त एक्ट के अंदर एक बात लिखी हुई है, मैंने पहले भी टीवी में बोली थी इस बात को, यही बोला था, इफ वफ थिंग्स सोचता है कि ये लैंड उनकी है तो वो समस्त कार्रवाई आज से पहले तक उसके पे कर सकता था। अगर इस रिपब्लिक टीवी की जमीन जो अभी नई नई ली गई है, इस पर आकर कोई वक्त वाला बोल दे कि मुझे लगता है कि ये जमीन जो है कहीं ना कहीं वक्फ की गई थी, तो मुझे लगता है कि आज शायद इतने बड़े हुए स्ट्रक्चर को, इतने बड़े स्ट्रक्चर को आप कोई इतना बड़ा मीडिया चैनल भी, क्योंकि पार्लियामेंट पे दावा कर दिया, पार्लियामेंट के ऊपर दावा हो गया ना जनाब, हनुमान मंदिर पे दावा हो गया, इस 80% दिल्ली पे दावा हो गया है कि 80% जमीन उसकी, सोचे खेल क्या है? कह रहे हैं, अरे सोचो फिर कोर्ट में साफ हो गया कि हमारी, मुझे बताइए, ये कहते हैं कि जब हिंदुस्तान दिल्ली से यहाँ के लोग मुसलमान पाकिस्तान गए तो वो वक्फ कर गए, तो वक्फ करके गए तो कोई कह के तो नहीं गए होंगे, कागज देके गए होंगे, वो कागज कहाँ है, वो कागज कहाँ है भाई साहब, वक्त कहते गए होंगे, वक्त बोल के कर गए क्या, बोल के कर गए, मुझे बताइए कागज दिखाएंगे, विल करके गए होंगे, विल विल विल, अरे भाई साहब विल भी होती है ना, कोई गवाह तो होगा, अरे वक्त कर गए कागज उनकी यादाश्त चली गई, उनकी तो यादाश्त चली जा चुकी है, देखिए उनकी तो यादाश्त चली गई है। मोदी सरकार, आपने अभी बोला था जायज नाजायज, आपने बोला था जायज नाजायज, आप हलाल वाले लोग हो, हलाल पे बात समझ लेते हैं, हलाल का मतलब जायज है ना भाई साहब, जायज बात करो नाजायज बात करो, मुमताज जी बोल रहे हैं, जायज बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि एक तो आप जो कह रहे हैं कि 47 के बाद जिस तरह के हालात पैदा हुए उसमें सारे लोग मारे गए, हिंदू मुस्लिम सब, एक उसमें कोई दो राय नहीं, और लोग भागे अफरा तफरी, वो बहुत बदकिस्मती वाला वाकया था जो हमारा बंटवारा हुआ, नंबर एक। नंबर दो ये कि वक्फ बोर्ड इसीलिए बनाया गया था मैडम कि तमाम जो ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ कब्रस्तान हैं, जहाँ मस्जिदें हैं, जहाँ इमाम बाड़े हैं, बारगाहें हैं, तो उनको जो है बाकायदा रजिस्टर कर दिया जाए, उनको चिन्हित कर दिया जाए ताकि कोई गलत फहमी न हो। इसी तरीके से जब सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनी, तो मैं आपको बता दूँ मोदी जी की सरकार जब नजमे हेपतुल्ला कैबिनेट मिनिस्टर थी माइनॉरिटी की तब से, और जब नकवी साहब थे मुख्तार अब्बास नकवी तब, तो बाकायदा दो दो कंप्यूटर और लोग स्टाफ हर स्टेट में रखे गए और उनसे ये कहा गया कि जहां जहां वफ की लैंड है उनको आप रजिस्टर कर लीजिए, तो इसलिए वो रजिस्ट्रेशन है। कागज तो दिखाओगे ना, की बात है, एक मिनट, ये विश्व पे थोड़ी हो गया, मुझे 1947 कागज भी है, देखिए वो ऐसी बात बट रहा था जाइए, मैं आपको बता रहा हूं, वैसी जो है जिम्मेदार नहीं है, मैं जान लेके वैसी बोर्ड की अपनी जमीन जो है वो मौलाना साहब को, गेलवी साहब को दे जाऊं, काजी साहब, काजी साहब खुद भाग रहे थे जनाब, काजी साहब खुद भाग रहे थे, एक मिनट, काजी साहब खुद भाग रहे थे, सत्य सामने, सामने कागज की बात जब सुचारी, अरे कागज लेके जाओ ना भाई साहब, के कागज दिखाओगे, मिलने की बात भी है, और हम अगर स्टैंड कर रहे हैं, अगर कागज है तो कानून पेश करो, देखिए भाई, देखिए 123 प्रॉपर्टी पे अगर हम मुकदमा लड़ रहे हैं, अगर हम अदालत में मौजूद हैं, कहां लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, मुमताज जी, अब इतना समय नहीं होता है, कौन सी अदालत में लड़ रहे हैं, बताइए ना, अपनी मर्जी बताइए, कौन सी अदालत, एक सेकंड एक सेकंड, कोई प्रकरण था सर्वोच्च न्यायालय, अपनी मर्जी, कौन सा न्यायालय था, अब मेरा सवाल सुनिए, मैं दानिश जी, देखिए आप लोग जो बात कहते हैं, मेरा, हमने इतनी डिबेट्स की हैं वक्फ को लेकर, लेकिन आज वो उसी वक्फ को लेकर, वही नेता के बयान को लेकर बात हो रही है जो लगातार ये कहते रहे कि वक्फ कानून नहीं आना चाहिए, उन्होंने अपनी बात में ही बता दिया कि वक्फ कानून क्यों आना चाहिए। अब आप धारावी की बात कर लें, चाहे मैं हिमाचल के अलग अलग इलाके संजौली की बात कर लूं, वहां भी यही बात आई कि वक्फ की जमीन थी, यहां पर भी अगर वो पूरी की पूरी बस्ती अवैध है तो वक्फ का दावा कैसे आएगा कि वो कहते वक्फ की जमीन है। हर जगह जहां पर ये हंगामा हो रहा है वहां वक्फ की एंट्री हो जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए मैं आपको एक बात करूँ, दरअसल दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाएं और उसके जो लोग हैं, कुछ जिनका काम ही ये है, मैं आपसे फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये जो लोग भी बातें कह रहे हैं ना, चाहे ये कह रहे हो कि कोई भी, जैसे अभी एक कोई भाई साहब कह रहे थे पैनलिस्ट
कि वो आर भारत का जो स्टूडियो है इस पे क्लेम कर देंगे। मुझे ये बताइए सुचारिता, बेसिक लॉ की बात करें, बेसिक कानून जो है, क्या अगर कोई भी प्रॉपर्टी के लिए कोई भी क्लेम है तो बिना डॉक्यूमेंट के उसके मना करिए। एक छोटा सा प्रश्न है, ऐसे लोग जानना चाहता है कि जज न्यूट्रल होना चाहिए या जज कोई कॉम का होना चाहिए? अरे जज न्यूट्रल ही रहता है भाई, न्यूट्रल भाई, अरे कौन होगा न्यूट्रल? अरे वहां से ठीक है, दानी जी अपनी बात कर ले, सिद्धार्थ जी के आचार्य जी एक मिनट, आपके घर के अपने पिताजी होंगे या जज न्यूट्रल होगा? हां पिताजी है, अरे आपके पिताजी है ना? अच्छा आप दोनों एक मिनट होल्ड करिए, दानी जी दानी जवाब हो गया भाई, दानी जी सिद्धार्थ जी नहीं, अगर क्यों नहीं जज, अरे जज न्यूट्रल है ना, वो जज सुप्रीम कोर्ट पे आपको विश्वास नहीं है? हां सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, मानना चाहिए। आवाज बंद, आवाज बंद करिए, दानी जी बोलेंगे, दानी जी बोलेंगे। देखिए अब सवाल यहाँ ये है कि देखिए ये लोग जो पैनल में जो लोग बैठे हैं ना, एक्चुअली में दरअसल वो जिम्मेदार लोग हैं और वो लोग देश को गुमराह कर रहे हैं कि भाई किसी ने भी क्लेम कर दिया तो उसकी ऐसे नहीं होती। किसी भी प्रॉपर्टी के लिए आपको प्रॉपर फोरम में जाना पड़ता है कि ट्रिब्यूनल है, जैसे मान लो वक्फ है तो ट्रिब्यूनल में अगर आप जाएंगे तो ट्रिब्यूनल में आपको उसके बाकायदा आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है बेसिक, पहले उसका वेरिफिकेशन होता है, फिर उसका जो रजिस्ट्रार है वो देखता है कि हाँ इसमें कुछ दम है। अगर मैं मान लीजिए कि मैं आपके खिलाफ या आपके किसी भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन पेश कर लूंगा, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है बाकायदा, उसके बाद अदालत उसको एंटरटेन करती है। ये सिस्टम है। अब दरअसल या तो ये सिस्टम समझना नहीं चाहते और आम जनमानस जिसको बेचारे को इसकी जानकारी नहीं है उसको भड़काने की और बरगलाने की काम भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाएं कर रही है, या तो फिर मुझे ये बता दीजिए कि अदालत में कोई भी जाके किसी पे भी क्लेम कर देगा तो क्या उसका हो जाएगा? बताइए भाई सिद्धार्थ जी, जवाब दीजिए, सीधा सवाल पूछ रहे हैं वो। तो ये जो कह रहे हैं आप लोग मनमाने ढंग से, एक मिनट, आप लोग ये फैला रहे हैं कि वक्फ जहाँ हाथ रख देता है वो संपत्ति होती है, गलत जानकारी। बीजेपी तो बताइए भाई में कहीं है नहीं सड़क पर, हाँ। हमको तो नहीं दिखाई दिया है। नहीं, पर वो कह रहे हैं कि प्रचार ऐसा कर रहे हैं, तो कहना ही पड़ेगा। सिद्धार्थ जी जवाब, सिद्धार्थ जी जवाब, सिद्धार्थ जी जवाब, कहना ही पड़ेगा। एक मिनट सिद्धार्थ जी, इनको तो ऐसा कहना ही पड़ेगा क्योंकि 200 लोग, मैं बोलूं सुचारिता जी, मेरी आवाज आ रही है सुचारिता जी? जी जी बोलिए प्लीज जी। सुचारिता जी, इनको तो ऐसा कहना ही पड़ेगा क्योंकि 200 लोग अगर देश में 8 लाख एकड़ के मालिक हों और ओवैसी जी इनके नेता उस 200 लोग में शामिल हों, इतने बड़ी प्रॉपर्टी के सरगना हों, तो टीवी पे बैठ के झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे, इतना घाटा क्यों करवाएंगे? ये पहली बात। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि कागज नहीं दिखाने पड़ते, एक सिस्टम होता है। सिस्टम क्या है? सिस्टम यह है कि अगर वक्फ ने जाकर के कह दिया कि आपकी ये प्रॉपर्टी पर ऐसा कोई डिस्प्यूट है, आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ट्रिब्यूनल में कौन बैठता है? सर्वेयर जो इनकी कॉम का, जो जज जो आपकी कॉम का, रजिस्ट्रार जो आपकी कॉम का, ऐसा ही और के साथ कर दो ना, सिखों के साथ कर दो, पारसियों के साथ कर दो, जूस के साथ कर दो, हिंदुओं के साथ कर दो, कर दो आप, बिल्कुल कर दो। आज इस देश के अंदर सुचारिता जी, जहां पे प्रभु श्री राम पैदा हुए और राम देश के आराध्य हैं, उनके मंदिर, उनके जन्म स्थान पर मंदिर बनाने के लिए तो आपको सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ा, इतने साल 400 साल की लड़ाई लड़ी, पर वक्फ वाला आके बता देगा ये सिस्टम है, ये सिस्टम में आप आइए, ट्रिब्यूनल ने कह दिया है कि ऐसा हो गया, ये सिस्टम बनाया कांग्रेस और समाजवादी जैसी पार्टियों ने, पहली बात। और दूसरी अंतिम बात सुचारिता जी, कौन से कागज देंगे ये लोग? 1600 साल पुराना मंदिर जो इस्लाम से पुराना है उसको ये क्लेम करेंगे, कागज कहां से लाएंगे? दिल्ली में एक पुल के ऊपर, फ्लाईओवर के ऊपर जो 10 साल पहले बना था उस पे कह दिया 40 साल से एक मजार है, जब फ्लाईओवर